हेलो अवरीवान नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फूड लाइफ में आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तंदुरुस्त होंगे खुश होंगे आज का व्लॉग शुरू हुआ है दोपहर के बाद से करीब तीन बज रहे हैं या फिर साढ़े तीन भी हो रहे हों इतना टाइम हो रहा है और आज है देवोत्थान एकादशी जिसको देव उठनी एकादशी बोलते हैं और उसमें जो है आज के दिन होता है तुलसी विवाह और विष्णु भगवान को जगाया जाता है तो सब के यहाँ पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरा फास्ट है आज और जो है ब्लॉग मैंने सुबह के टाइम पे शुरू नहीं किया था तो अब मैंने शुरू किया है वाइट कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे तो उनको मैं सुखा रही हूँ थोड़ा सा टाइम मैं शॉप पे गई थी और अब शाम के बाद मतलब शाम के टाइम नहीं जाऊँगी एक तो तबीयत भी ख़राब है ऊपर से जो है थोड़ा सा त्यौहार का काम होता है छोटा सा मैं तुलसी विवाह भी करती हूँ तो सारा जो भी है आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी एक बार फिर से सभी को तुलसी विवाह एंड देव उत्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर सुबह सारा काम ख़त्म करके और बर्तन जो है आजकल मैंने डिश वॉशर से ही धोने शुरू कर दिए हैं तो बहुत अच्छे बर्तन धुल जाते हैं साफ़ हो जाते हैं या बोलूँ मन जाते हैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो बर्तन माँजने का काम तो ख़त्म हो गया है हाँ ये है कि दो चार बर्तन मैं हाथ से करती हूँ जैसे कि कुकर हो गया तवा और जो आटा बनाने की परात वगैरह वो मैं तीन चार बर्तन बेलन वगैरह वो सब हाथ से कर लेती हूँ क्योंकि बेलन थोड़ा ना होता है कि झूठे बर्तनों में रखने का मन नहीं होता या फिर ऊपर की साइड में रख भी देती हूँ ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं रखती हूँ तो बस बर्तन सूखे हुए निकलते हैं रिव्यू आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगी कि कैसे क्या प्रोसेस कैसे होता है तो वो सब करूँगी धीरे धीरे बताना मुझे और एक दो कमेंट आई भी हैं कि आप जो है अच्छे से रिव्यू देना और पूरा शेयर करना तो करूँगी आज मैंने सुबह जो है लोड कर दिए थे बर्तन और अब आने के बाद ही निकाले हैं क्योंकि इतनी जल्दी तो सूखते नहीं हैं उसमें ना गरम गरम होता है स्टीम उड़ती रहती हैं तो वो फिर गीले रहते हैं तो बस आने के बाद फिर आराम से मैं निकाल लेती हूँ बर्तन और इसमें इजी हो गया है नीचे से निकालती हूँ ऊपर सेट कर देती हूँ साथ साथ काम काफ़ी इजी हो गया है इतना तो मैं बोल ही देती हूँ एक कमेंट शायद ये भी आया था कि पैसा वेस्ट है तो जी नहीं मेरे लिए पैसा वेस्ट नहीं है मेरे लिए तो अच्छा है बाकी सब किसी एक पूरे सेपरेट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी तो जी बस यहाँ पे क्या किया पहले बर्तन किए अब हो गया है चाय का टाइम और आज मेरी तबीयत ख़राब है मुझे लग रही है ठंड सर्दी लग रही है पैर मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है पैरों में फिर से एक बार पहले हो गया था और अब फिर हो गया है क्योंकि फेस्टिवल टाइम इतना बिजी चला है और उसके बाद भी भगवान की कृपा से आप लोगों के प्यार से काम अच्छा खासा मेरी शॉप पे चल रहा था और आपको पता ही है मैं अकेली घर और जो है शॉप दोनों को संभालना बच्चों का स्कूल भी होता है तो उसमें ना खड़े रहने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है बोलूँ कि चौबीस घंटे में से मैं अट्ठारह घंटे जो है खड़ी ही रहती हूँ क्योंकि घर के काम भी कोई बैठ के तो होते नहीं हैं सब खड़े होके होते हैं और घर इतना टाइम नहीं लगता जितना कि शॉप पे लगता है वहाँ पे पूरा दिन मैं खड़ी रहती हूँ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता और भगवान करे ऐसा ही चलता रहे लेकिन मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो रही है तो अब मैं अपने पैरों को रेस्ट देने वाली हूँ सोचा तो ये है कि जल्दी थोड़ा सा काम करूँगी आज फेस्टिवल है तो देखते हैं जैसे जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी अब पहले मैं उसको दूध दे देती हूँ उसके बाद फिर बनाती हूँ साथ साथ चाय हाँ जी अब टाइम हो रहा है शाम के पाँच बजने वाले हैं और अब मैं काम पे शुरू हो जाती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है मैं लेट गई थी सर्दी लग रही थी मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द और स्वेलिंग हो रखी है तो आज मैं लेट गई काम नहीं था मतलब काम नहीं चलने का लेटने से लेकिन क्या करूँ थोड़ा देर लेटना पड़ा लेट हो गई अब तक मुझे काम में लग जाना चाहिए था क्योंकि आज काम बहुत सारा होता है पहले तो जो नारायण जी बनाते हैं गेरू से वो बनाने हैं फिर खाना बनाना है खाना हालांकि मुझे थोड़ा सा बनाना है दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाना क्योंकि ये आज जाएंगे शादी में तीनों अंश और श्रेय उसके पापा शायद तीनों जाएंगे अभी मुझे कुछ कन्फर्म तो है नहीं क्योंकि तीनों ही अभी सब अपने अपने काम में बिजी हैं या ऑफिस है श्रेय अभी नहीं आया है कॉलेज से अंश की आज छुट्टी थी वो घर पे था तो वो तो है और मैं तो नहीं जा रही हूँ मैं जा सकती थी लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है दर्द बहुत हो रहा है और दूसरी बात आज मेरे एकादशी का फर्स्ट भी है तो इसलिए मुझे लग रही थी सर्दी आज पहली बार स्वेटर मैंने पहन लिया है स्वेटर शुरू कर दिया पहनना लेट गई थी रज़ाई पड़ी है यहीं पे लेट गई थी मैं थोड़ी देर रजाई में आज सुबह रज़ाई भी निकाल ली थी कवर वगैरह भी नहीं लगाए और वूलन के कपड़े जो है वो मैंने अपने निकाल लेते थे सेट नहीं हुए फिर मैं गई थी शॉप पे और शॉप पे भी आ, करीब मैं गई थी बारह बजे और आए हैं हम तीन बजे और आज मैंने अब शाम के टाइम की शॉप छोड़ दिया क्योंकि अब करेंगे अपना पूजा पाठ और आज हाँ एकादशी के दिन आज तुलसी विवाह भी होता है कोई पूरा मतलब वैसे तो नहीं करती हूँ पर करना तो है करूँगी अभी ये सारे काम में अब मैं लगूंगी सबसे पहले गेरू पीसती हूँ पहली बात तो मुझे गेरू मिल नहीं रहा रखा हुआ है मेरे रखा है मैं भूल जाती हूँ गेरू पी गेरू पीसूँगी और उसके बाद फिर जो है नारायण भगवान का चित्र जो बनाया जाता है ज़मीन पे वो बनाऊंगी क्योंकि आज विष्णु भगवान जगाने हैं और फिर तुलसी विवाह पूजा मतलब यही कुछ दिए भी आज जो है लगाए जाते हैं आज देव दीपावली जो है और हमारे यहाँ पे फंक्शन भी है मंदिर में देव दीपावली का जो पहाड़ी लोग हैं शायद वो मनाते हैं क्या त्यौहार है उनका आज किसी की छुट्टी थी और उन्होंने बोला भी था क्योंकि शॉप पे आते रहते हैं ना कि आना आप पर मेरा नहीं हो पाएगा और अंश को बोल रही थी कि मैं जाऊंगी आज जरूर मंदिर उनका फंक्शन शायद शुरू हो गया होगा पाँच साढ़े पाँच से है एक तो इस टाइम मेरा काम चलने वाला भी नहीं है जाने से और मैं चली भी जाती जल्दी कर लेती तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ये काम मैंने कर दिया है और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ पहली बार इस तरह से लक्ष्मी चरण बनाने की और मुझे आते नहीं है लेकिन देखती हूँ एक तो बात यह है कि मेरे पैरों से यहाँ पे बैठा ही नहीं जा रहा था तो जैसे भी मैंने किया और लक्ष्मी चरण बन गए जैसे भी बने अच्छे बन गए पहली बार मैंने इस तरह से ट्राई किया है मैंने यूट्यूब पे देखा था तो इस तरह से हाथों से ना तो मैंने इनकी सेब फिर जो है थोड़ी सी अच्छी कर दी और बहुत ही प्यारे से लक्ष्मी चरण बन गए मतलब ये थोड़ा सा ना गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया था पर कोई बात नहीं है अच्छे बन गए फिर मैंने ना इनको कॉटन से अच्छे बना दिए दोनों को ये देखिए ये बन गए हैं लक्ष्मी चरण और यहाँ पे स्वास्तिक के जो है निशान बनाए जाते हैं दरवाजे के बाहर जो बनाते होंगे ना उनको पता होगा जिनके यहाँ पर क्योंकि हर फेस्टिवल अलग अलग तरीके से मनाया जाता है तो जैसा हमारे यहाँ पर पहले से होता आया है माई ससुराल में तो उसी तरीके से मैं कर लेती हूँ सारा काम मेरा ये तैयारी हो गई है और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए खाना क्या मैं पहले थोड़ा सा जो है मीठा बना रही हूँ हलवा और थोड़ा ही बनाऊँगी इसलिए मैंने पैन ही चढ़ाया है आज कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ और इस पेन को मैंने यूज़ किया था कुछ बनाया था पहली बार क्या बनाया था शायद दूध का मैंने बना लिया था क्योंकि ये नया दिवाली पे लिया था ना तो इतना यूज़ हो ही नहीं रहा है अभी अभी तक मैंने इसमें कोई नमक की चीज़ तो बनाई ही नहीं है तो आज मैं इसमें जो है बना रही हूँ हलवा पहले मैंने थोड़ा घी डाला पहले मैं बना रही थी थोड़ी सी ही बिल्कुल सूजी ले रही थी फिर सोचा चलो थोड़ा सा बना देती हूँ प्रसाद बनेगा तो सुबह बच्चे ले लेंगे शाम को नहीं है तो सुबह ले लेंगे कोई बात नहीं है थोड़ी सी सूजी मैंने बढ़ा दी और यहाँ पे सूजी अच्छे से कलर की भुन गई है अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से किशमिश क्योंकि अंश को ज़्यादा पसंद नहीं है किशमिश वो छोड़ देता है जैसे ही हलवे में किशमिश आएंगी ना तो उसको साइड कर देगा नहीं खाएगा और आज स्टील के पैन में हलवा कुछ अलग ही बन रहा है मतलब बड़ी ही गुलाबी सी सूजी हो गई है कलर एकदम बहुत ही बढ़िया वाला आ गया है स्टील के बर्तन की देखो बात ही अलग होती है जैसे पहले हम हैवी कढ़ाई में हलवा बनाते थे ना तो सूजी बहुत ही अच्छी बुनती थी चीनी मैंने साथ में ही डाल दी है क्योंकि फिर ना छीटे इतने नहीं आते हैं पानी मैंने बॉयल हुआ डाला है और पैन छोटा है नहीं तो फिर ऐसा होता कि बिल्कुल जो सूजी है ना पानी के साथ उखन के बाहर ही आ जाती तो बस इसको यहाँ पे पका लेती हूँ बॉयल पानी से जल्दी ही हलवा बन जाता है और ये देखिए साइड में आ गया है पीला पीला सा तो इस तरीके से इसको करूँगी मिक्स ज़्यादा ड्राई फ्रूट आज नहीं डाले क्योंकि आज थोड़ा सा ना काम ऐसे ही मैं कर रही हूँ वो होता है ना जब शरीर साथ नहीं देता तो काम करने में उतना मन नहीं लगता है पर काम कर रही हूँ लगा रही हूँ मन ही क्योंकि आज मेरी तुलसी माता का विवाह है जो कि मुझे अब करना है वो मुझे ना दिन में ही करना था मतलब शाम से पहले ही कर देती फिर मैंने सोचा कि पहले विष्णु भगवान को जगा लेते हैं उसके बाद ही फिर जो है मैं आराम से कर लूँगी इतना काम हो नहीं रहा था जिस टाइम पर करना था उस पर मैं लेट गई थी पर चलो कोई बात नहीं है सबसे पहले शरीर है जब पैर ही काम नहीं कर रहे थे तो मैं क्या करती तो यहाँ पे बातों बातों में, में मेरा हलवा हो गया रेडी और फटाफट से जो है थोड़ी सी मैं बनाऊँगी पूरियाँ सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि सब्जी नहीं पूजी जाएगी जो मतलब खाना रखेंगे ना खाना आज गाय का निकलता है वही पूजा में रखा जाता है आज कोई ऐसा खाना नहीं पूजा जाता तो उसमें हलवा और पूरी का भोग लगाया जाता है क्योंकि घर का मीठा होना जरूरी है वैसे तो बाहर का मीठा रख सकते हैं लेकिन मैं जो है घर का हलवा पूरी जो पहले से होता रहा जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं सेम वैसे ही करती हूँ कुछ भी चेंज नहीं करती तो यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर दी है अब सब लोग आ जाएंगे हाँ गन्ने रखने अभी रह गए हैं गन्ने के साथ भी पूजा होती है तो कुछ सबका अपना अपना जैसे कि मैं बोलती हूँ सबका अपना अपना होता है तो यहाँ पे शकरगंदी सिंघाड़े फ्रूट्स और जो है गन्ने वगैरह रख के पूजा होती है अब मैं आ गई हूँ तुलसी माता को सजाने के लिए और मेरे पास शालीग्राम नहीं है वैसे तो शालीग्राम के साथ शादी करी जाती है आ आ, माता रानी की क्योंकि माता तुलसी का विवाह जो हुआ था वृंदा का शालीग्राम के साथ हुआ था तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया है दिया गंगा जल का छीटा लगाया माता रानी को स्नान कराया और साथ में मैंने रखे हैं अपने लड्डू गोपाल अपने कान्हा जी क्योंकि विष्णु भगवान की भी कोई ऐसी सेपरेट मूर्ति मेरे पास नहीं है वो भी रख लेते हैं और सबका अपना अपना होता है मैं इतना बड़ा कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं करती हूँ जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ हालाँकि हो जाता है एक तो टाइम होना चाहिए और फिर मेरा मन है कि अगर मेरी माता रानी चाहेंगी तो एक बार मैं अपने जीवन में अच्छे से तुलसी विवाह ज़रूर कराऊँगी पंडित जी को बुला के मतलब अच्छे से क्योंकि मेरे घर में आपको पता ही है बेटी भी नहीं है तो ये मेरा मन है मेरी इच्छा है जब मेरी माँ बोलेंगी मेरे आंगन की तुलसी बोलेंगी तो तब मैं इनकी शादी कराऊँगी अच्छे से ऐसा मेरे मन में आया सब लोग नहीं कराते हैं लेकिन कराते हैं Uh, मैंने सुना है कई जगह कि तुलसी विवाह है बड़े तरीके से किया जाता है तो बस माता रानी ने ये इच्छा मेरे मन में जगाई और यहाँ पे मैं माता रानी को चुन्नी उड़ा रही हूँ वो माता रानी मेरी बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है तो मैंने उठ के उनको अच्छे से चुन्नी उड़ा दी है और ये चुन्नी थोड़ी बड़े साइज़ की मैंने मंगवाई है क्योंकि इस बार माता रानी थोड़ी ऊँची है मतलब लंबा है इनका जो हो गया है ना जो पेड़ है काफ़ी बढ़ गया है और ये ना रैबिट की वजह से मैं ऊपर रख के बचाई है अपनी माता रानी को नहीं तो वो ना बड़े पसंद करते हैं तुलसी खाना तो इनको मैं ऊपर रखती हूँ आज मैंने नीचे रख लिया है और इनको श्रृंगार का सारा सामान मैं अर्पित कर रही हूँ क्योंकि श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है और जो भी साड़ी सूट जो भी हमें देना है वो वो सारा कुछ फिर मंदिर में दिया जाता है सिंपल तरीके से थोड़ा सा श्रृंगार किया और जो है थोड़ा आ, मीठा भोग प्रसाद लड्डू मतलब जो भी है और बस आरती पूजा और गठबंधन किया आ, मोली से मैंने अपने लड्डू गोपाल के साथ और दोनों की की पूजा तो इस तरीके से मैंने किया तुलसी विवाह और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करना मतलब पूजा पाठ मुझे अच्छा लगता है करना और इतना ही मैं करती हूँ इससे ज़्यादा करती भी नहीं हूँ और वैसे भी आजकल का ना मॉडर्न जमाना है तो रात में ही शादियाँ होती हैं तो आज रात का ही मुहूर्त बना है तो जी आप लोग कैसे करते हैं कुछ लोग खाली चुननी उठा देते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते कुछ लोग बड़े अच्छे तरीके से करते हैं देखो सबका अपना अपना होता है तो जिन सब जितना मुझसे होता है जितना मुझे आता है उतना मैं कर लेती हूँ चलो बहुत सारी बातें हो गई और ले लीजिए माता रानी से सभी आशीर्वाद अपने सुहाग के लिए अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए तो इसी तरीके से बस मैंने भी जो है इनसे आशीर्वाद लिया और इनको सजा के सुंदर सा आज बना दिया सारा का काम ये देखो अर्ण। बच्चे बड़े हो गए जी ब्लेजर थोड़े शॉर्ट शॉर्ट हो गए ले लेंगे आपका जब शादी होगी बच्चे हो गए लंबे लंबे है ना और अपने अपने ब्लेजर चेक करेगी ज़्यादा छोटे तो नहीं हो रहे पर काम चल रहा है आज तो <laughs> और सब रेडी हो गए जा रहे हैं शादी में चलो बाय चलो नहीं आओ बाई। जल्दी बाई। ना ये रात को ये जो चौधरी खड़ा ना ये चौधरी साहब छोटे चौधरी गाड़ी ना चलाइए रात को पूजा के लिए पूरिया मैंने पहले ही बना ली थी लेकिन फिर मैंने कढ़ाई बंद कर दी थी क्योंकि पापा के लिए अब मैं गरम गरम बना दूंगी और मुझे तो खाना नहीं है मेरा तो फास्ट है तो बस फटाफट से कुछ पूरियाँ उतार लेती हूँ और फिर उनको खाना दूँगी और फिर ज़्यादा जो है काम कुछ नहीं फैलना है आज ना ज़्यादा काम है अब मैं फिर जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ आज जल्दी फिर रात में ये आएंगे फिर मेरी नींद ख़राब होगी क्योंकि रात के बारह बजे तक लगभग ये आ जाएंगे और सुबह बस चले ही गए शादी में नहीं तो मतलब टाइम तो नहीं था क्योंकि इनको फिर अर्ली मॉर्निंग फिर निकलना है बाहर जाएंगे ये आ, दिल्ली जाएंगे काम से ऑफिस के तो इस तरीके से ना बड़ा बिजी बिजी टाइम हो जाता है कभी कभी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी हो जाती हैं जैसे शादी में नहीं जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता पहुँच गए हैं जी हम आ, वेन्यू पे साढ़े नौ बजने वाले पाँच मिनट रह रहे हैं तो अंदर चलता हूँ और तब रिकॉर्ड करूँगा बाद में अब ये निकल गए हैं वापसी के लिए हरिद्वार क्योंकि इतना टाइम रुकते तो फिर सुबह भी आपको बताया मैंने अभी कि अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो मेरा भी ये है कि फिर अब ये आएंगे फिर मुझे उठना है फिर जल्दी फिर उठना है सुबह फिर इनको जाना है तो इस तरीके से फटाफट से सब कुछ किया और ये जल्दी ही आ गए थे करीब बारह पाँच बारह बजे इतना आ गए थे आज के ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग